सुशील मोदी जी, पीएमओ के एक अधिकारी नीतीश कुमार जी और एक सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारी का जो नाम लिया गया कि किस प्रकार से झूठे मुकदमे में लालू जी और हम सबको जो फंसाने का काम किया गया, ये सब लोगों के सामने आ गया है। दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। उप मुख्यमंत्री लगातार इससे बचते दिखे सदन में, जवाब एकदम नहीं दिया गया। हम लोगों का ये मांग था कि जब नाम आया है उप मुख्यमंत्री का, क्योंकि वो उप मुख्यमंत्री हैं, सदन के वो मेंबर हैं, और उनका इस प्रकार का नाम आना, तो इस पे वो जवाब देना बनता था, जिसको उन्होंने नजरअंदाज करने का काम किया। लेकिन बिहार के विकास की काम की कोई चिंता नहीं है, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कैसी बनी रहे उसकी चिंता नहीं है, और हम लोगों को कोई उम्मीद ही नहीं थी मुख्यमंत्री से कि वो अपराधियों पे कड़ाई बरतेंगे, क्योंकि लगातार आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से उनके खबरों को दबाने का प्रयास किया गया। 14 तारीख को मुख्यमंत्री पे जो हत्या का केस जो चल रहा है, 14 तारीख को सुनवाई होने जा रही है, और जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री पे खुद पे हत्या का केस चल रहा हो, तो ये साफ दिखाता है कि वो अपराधियों को सजा दिलाएंगे नहीं, बल्कि उनको पूरी तरीके से बचाने का काम करेंगे, क्योंकि वो भी एक आपराधिक हत्या के केस में, मामले में वो जुड़े हुए हैं। और इतना बड़ा मामला और कहीं भी खबर नहीं, किसी, मेरे ख्याल से पहले ये हिंदुस्तान में किसी राज्य के मुख्यमंत्री होंगे जिसपे हत्या का केस चल रहा हो और सुनवाई हो रही है। 2009 में कॉग्निजेंस लिया गया और नीतीश कुमार जी लगातार हम लोगों से जवाब मांगा करते थे। जब चार्जशीट भी नहीं हुआ था तो हम लोगों से जवाब मांगते थे कि इस्तीफा देना चाहिए, जिसपे खुद 2009 से कॉग्निजेंस ले लिया गया हो, संज्ञान ले लिया हो कोर्ट ने, और जिसपे सुनवाई चल रही हो, तो क्या अब उनकी अंतरात्मा नहीं जाग रही कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए? और हमें नहीं लगता कि जिस राज्य का मुख्यमंत्री पे हत्या का मुकदमा हो, उस राज्य की जांच एजेंसियां उसकी अच्छे से निष्पक्ष रूप से जांच कर सकती हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वर्सेस बिहार गवर्नमेंट हो ही नहीं सकता, उसलिए निष्पक्ष है कि इसमें की गई हो। इसमें तो लगातार जो भी है सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसमें मॉनिटर्ड, हम लोग चाहेंगे कि जांच होनी चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए, क्योंकि जब मुजफ्फरपुर कांड में जब मुख्यमंत्री के करीबी लोग जुड़े हुए हैं उनको बचाने का प्रयास किया गया, जहां पुलिस को स्वतंत्रता नहीं हो, पूरी पॉलिटिकल दबाव में पुलिस अपना काम नहीं कर पाई, वहां राज्य के मुख्यमंत्री का जो हत्या का केस का मामला है वहां निष्पक्ष जांच कर ही नहीं सकती। तो ये 14 तारीख को ये सुनवाई है, और हम लोग लगातार, जब दूध का दूध पानी का पानी हो गया, जब जो भी सीबीआई डायरेक्टर ने कहा, तो इसमें नीतीश कुमार जी को हम लोगों से माफी मांगना चाहिए था कि किस प्रकार से उन्होंने जनादेश का अपमान करके, किस प्रकार से बिहार की जनता को धोखा दे करके उन्होंने जो पलटी मारने का काम किया, इसको लेकर के जो हम लोगों से इस्तीफे की मांग लगातार करते रहे, इसको लेकर के उनको तो माफी मांगना चाहिए। लेकिन ये भी नहीं, हर मामले में मुख्यमंत्री के मुंह में दही जम जाता है। कहीं भी कोई मामला होता है तो मुख्यमंत्री सामने आकर के कोई बात ही नहीं करते, मुंह ही नहीं खोलते, और लगातार आप देखते होंगे कभी सीसीटीवी लगवा देना, कभी जो मामला लीगली जो न्यायिक चल रहा हो उसमें लगातार इतनी नफरत की भावना, इतना मन में जहर है, और नाम ही नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार नाम होना ही बहुत बड़ी बात है, वो आदमी वो व्यक्ति कुछ भी कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से इनका रवैया और नेगेटिव पॉलिटिक्स, नकारात्मक राजनीति देखने को मिल रहा है, हम तो जानना चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी, आप तो
बराबर बराबर लड़ रहे थे, दो दिनों में संख्या बताने का काम कर रहे थे, संख्या कई महीने हो गए बराबर बराबर तय किए हुए, आखिर क्या हुआ? तो इस पे भी चुप्पी साधे हुए, धमकी देना, पलटी मारना, डरवाना, धमकाना, जिस प्रकार की नकारात्मक राजनीति चल रही है, बिहार की जनता जो है देखने का काम कर रही है कि मेरे राज्य का मुख्यमंत्री और राज्य सरकार विकास के काम को छोड़ करके, किसान की समस्याओं को छोड़ करके, मजदूर की समस्याओं को छोड़ करके, नौजवानों की समस्या को छोड़ करके लगातार जोड़ तोड़ और नकारात्मक राजनीति में जो लगी हुई है, विंडिक्टिव पॉलिटिक्स में जो लगी हुई है, ये राज्य की जनता जो है आने वाले समय में इनको करारा जवाब देने का काम करेगी। और आप लोग जानते हैं कि पटना विश्वविद्यालय में चुनाव है, चल रहा है, वहीं से लालू जी की राजनीति जीवन जो है शुरुआत हुई और इस ओहदे तक लालू जी पहुंचे। लेकिन आज जब चुनाव वहां चल रहा है, उसी छात्र जीवन से नीतीश कुमार जी भी जुड़े हुए हैं, आज हम लोग जो देश की राजनीति है वहां हम लोग बात करते हैं कि खरीद फरोख और नकारात्मक राजनीति, जो खरीदने की राजनीति होती है, दुरुपयोग, प्रशासन शासन का जो दुरुपयोग करने की बात होती है, जो गंदगी है पूरे देश की राजनीति में, उसको मिलजुल करके साफ करना चाहिए। तो हमारे चाचा नीतीश कुमार जी जहां छात्र राजनीति, जहां से उनकी शुरुआत हो रही है, जहां स्वस्थ मन से, सच्ची निष्ठा से राज्य के हित में, छात्रों के हित में, देश के हित में लोगों को सोच करके, निफिक्र होकर के आगे बढ़ाने की जहां तक बात हो रही है, जो गंदगी यहां साफ करना चाहिए था, उस गंदगी को नीतीश कुमार जी ने पूरी तरीके से छात्र राजनीति में भी उसका दुरुपयोग करने का काम किया है। और हमको तो दुख लगता है कि जो छात्र, जो राजनीति में जिनकी शुरुआत हो रही है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि नौजवान जो है पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग में आए, लेकिन अगर ऐसे लोगों पर अगर इस तरीके का प्रभाव पड़ेगा, जहां पैसे की, शराब की, खरीद बिक्री की, प्रशासन के दुरुपयोग का, नकारात्मक चीजों का अगर असर पड़ने लगा, तो जो छात्र जो वहां से चुन करके आएंगे और जिनका भविष्य उज्ज्वल होगा छात्र राजनीति से आगे के राजनीति में अगर आएंगे, तो मेरे ख्याल से वो राज्य के लिए और देश के लिए, राजनीति के लिए वो ठीक नहीं रहेगा। जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी ने ये पूरे छात्र के चुनाव में, विश्वविद्यालय के चुनाव में, जिस प्रकार से इन्होंने जो दुरुपयोग करने का काम किया है, इसके लिए हम सब लोग निंदा करने का काम करते हैं कि कम से कम उस जगह तो छोड़ देना चाहिए था। अगर ऐसी बात है तो खुद ही चुनाव जाकर के लड़ लेते, खुद ही अपना सिंबल बांट लेने का काम करते, क्यों नहीं किए? लेकिन इस तरह का काम शोभा किसी राज्य के मुख्यमंत्री को, जिस राज्य का मुख्यमंत्री खुद छात्र जीवन से आया हो, जो 15 साल तक बिहार का मुख्यमंत्री हो, उसको ये काम शोभा करते हुए नहीं बनता। और इस पे तो लगातार हम लोगों ने प्रतिक्रिया देने का काम किया है, लेकिन जिस प्रकार से अभी इन्होंने बताया कि एक नर्सिंग की बच्ची ने जो आत्महत्या की है, उसका जो जांच है वो होना चाहिए, जिस प्रकार से एक एडवोकेट की हत्या कर दी गई है उसकी भी जांच होनी चाहिए, देश में जो लॉ एंड ऑर्डर की, जो बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति जो बनी हुई है, इससे पूरी राज्य की जनता जो है घबराई हुई है, और खास तौर पे महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित एकदम अपने आप को महफूज नहीं समझ रही हैं। और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को काम की चिंता नहीं है, बस उनको अपनी कुर्सी की चिंता है, इसी के तहत वो सारे चीजों को अंजाम देने का काम कर रहे हैं। और जिस राज्य में, जिस देश में, हम लोग तो लगातार कहते रहे, विपक्ष का काम है कि सरकार के कमियों को गिनाना। अगर हम सरकार की कमियों को गिनाने का काम करते हैं, तो कम से कम नीतीश कुमार जी को इतना मन में जहर नहीं रखना चाहिए
इतना मन में गुस्सा नहीं रखना चाहिए कि उसका बदला जो है छोटे छोटे स्तर पर आकर के छोटी छोटी चीजों पर लेना चाहिए। हमने कई मीडिया के साथी पत्रकार एयरपोर्ट पे भी आए थे, हमने पहले भी कहा मामला जो है सबजुडियस है, हम लोग डबल बेंच में गए हैं, 10 तारीख को सुनवाई होने जा रही है और जो जुडिशियल जो आर्किटेक्चर जो रहा है उसके तहत हम लोगों को अधिकार है कि हम हैं, अगर सेटिस्फेक्शन नहीं है उस बात को लेकर के तो हम ऊपर तक जा सकते हैं। तो मामला ये कोई अंतिम फैसला था नहीं, लेकिन सरकार को लगातार इसका पता होते हुए भी जिस प्रकार का जो काम किया गया है, मेरे ख्याल से पहली बार इस तरह का काम किसी ने किया है, जिसको हमको नहीं लगता कि नीतीश कुमार जी को इतना गुस्सा था। अब पता चला कि क्यों आखिर अपने भतीजे से, एक बच्चे से इतने क्यों डरे हुए हैं कि एकदम देखना ही नहीं चाहते। जब विधानसभा में रहते तो सामने नहीं रहते, कहीं फेस नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम तो विपक्ष के नेता ही उनके वजह से बने, जिसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं कि कम से कम हमको कुछ तो मौका मिला कि हम अपने आप को साबित कर सके। जो लोग आरोप लगाते थे परिवारवाद का, तो हम तो धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक अच्छा मौका दिया और जो चीजें आगे होंगी वो होंगी। लेकिन मुख्यमंत्री जी अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं तो जवाब तो उनको देना पड़ेगा। आखिर अपने सुविधा के अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार आखिर कब तक वो चुप्पी साधे रखेंगे, तो इसका जवाब बिहार की जनता जरूर लेने का काम करेगी और आने वाले दिनों में इनको मुंहतोड़ जवाब बिहार की जनता दिखाने का काम करेगी, देगी। और मेरे ख्याल से नीतीश कुमार जी की ये जो पॉलिटिकल जो यात्रा है एज ए सीएम, ये आखिरी यात्रा बनकर के रह जाएगा। इसलिए आप सब पत्रकार लोग आए, सभी लोग हैं यहाँ, आप सब लोग को धन्यवाद देते हैं और अगर कोई सवाल अगर होगा तो उसमें आप लोग बेशक पूछने का काम करते हैं। का कहना है कि बंगले से मोह क्यों है इतना आपको? हमको कहाँ है, हम तो भाई लीडर ऑफ अपोजिशन है, हमको तो अधिकार है। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर जो पद होता है वो आप कॉन्स्टिट्यूशनल पद नहीं होता है, संवैधानिक पद उप मुख्यमंत्री का नहीं होता, लेकिन नेता विरोधी दल का संवैधानिक पद होता है। नेता विरोधी दल को मंत्री का दर्जा दिया जाता है, जिसके तहत हमको ये बंगला लॉट है। और आप देखिए जनता दल यूनाइटेड के कई ऐसे नेता हैं, ना तो मंत्री हैं ना तो कुछ है, लेकिन मंत्री का बंगला लेकर के बैठने का काम किया, आखिर मोह किसको है? और ये जो दो दो बंगला, ये सामने वाला पीछे वाला, 7 नंबर और 1 नंबर, आप बताएं नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के नाम पे भी बंगला है और पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पर भी बंगला है, बताइए नीतीश जी ना बताएंगे किस कानूनी या नैतिकता के भी आधार पर एक ही बंगला जो पद है उसी पे ना रहना चाहिए? और दिल्ली में बंगला अलग है, बिहार निवास बिहार भवन के अलावा भी एक बंगला अलग से मिल गया है उनको, तो मोह तो हमको नहीं है। हम लोग सारी चीजों को देख रहे हैं, बिहार की जनता भी गराई हुई नजर, जिन जिन नेताओं ने जो बंगला ले रखा है मंत्री का, उसका नाम आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं, सरकार भी जानती है प्रशासन भी जानती है, लेकिन वहां क्या कार्रवाई हुई? और हम तो उप मुख्यमंत्री रहे, अब विपक्ष के नेता हैं, सुशील मोदी जी अफवाह मियां पहले भी उप मुख्यमंत्री थे, विपक्ष के नेता रहे, उप मुख्यमंत्री रहे, विपक्ष के नेता रहे, लेकिन जहां थे वहीं हैं। लेकिन आप सरकार से पूछिए, अगर सरकार का निर्णय है कि हम उप मुख्यमंत्री के घर में चले जाएं, उप मुख्यमंत्री मेरे घर में आ जाएं,
तो कैटेगरिया तो घर का वही है ना, कोई अलग तो है नहीं, घर का कैटेगरी तो वही है। आधा कार्यकाल खत्म हो गया, कल को मान लीजिए हम कहीं उनके घर में हम चले जाए सुशील मोदी जी के जो अलॉट किया गया, तो क्या सरकार फिर से निर्णय नहीं लेकर के 10 दिन बाद हमको कहीं और भेज दे? इसका कोई गारंटी है? तो मामला देखिए कोर्ट में है, न्यायालय को अपना काम करने दीजिए, ये कोई अंतिम फैसला नहीं है। बंगला का मोह जिसके पास सरकारी आवास लगातार दो दो तीन तीन हो उसको हो सकता है, और जिसका पद नहीं और पद की सुविधा हो उसको हो सकता है। हम नेता विरोधी दल हैं और हमको जो संविधान में जो हमको सुविधा जो दी गई है जिस पद का, उस चीजों पर ही हम, तो इसलिए सब चीज देखिए, ये सब तंत्र मंत्र तरह तरह की अभी तो देखिएगा और निचतम स्तर पे ये गिरने का काम करेंगे। जैसे जैसे हवा इनके खिलाफ बनता जा रहा है वैसे ये सारी चीजों को ये पूरा करने का काम करेंगे, कोई भी चीज ये छोड़ेंगे नहीं। अब बताइए किसी के घर में सीसीटीवी लगा देना, अगर मुख्यमंत्री अगर हमको अनुमति दें तो जहां सीसीटीवी लगा हुआ था आप लोग सब पत्रकार को हमने जाकर के दिखाते, वहां तो पुलिस के लोग रहते हैं, जो जनता दरबार था बैरिकेड था वो तो मुख्यमंत्री वहां रहते भी नहीं, उसका बाउंड्री वॉल ही अलग है, लेकिन वहां भी संतरी पोस्ट के अलावा सीसीटीवी लगा दिया गया था। तो हमने सीसीटीवी के बारे में बताया जिसमें कि पूरा आपका आधार लॉन से लेकर के सब कुछ आता था, पूरा मेरा घर का बेडरूम और किचन तक दिखता था, लगातार जासूसी कराई जा रही थी, और हम इस चीजों को उठाएं, जब उनको एम्बैरेसमेंट लगा तो उन्होंने फैसला वापस लिया, सीसीटीवी हटवा लिया। अब यही तरह का काम करते रहेंगे तो थोड़ा मोड़ा, लेकिन इस सब चीज से हम लोग घबराने वाले नहीं है, हमको तो जो अपना काम है जो जिम्मेदारी मिली हुई है उसको हम बेखूबी निभाने का काम करेंगे। और इतना तो तय है कि जो भी चुनाव होंगे जब मौका लोगों को मिलेगा तो नीतीश कुमार जी को लोग आईना दिखाने का काम करेंगे, और जिस पद पे है वो पद मुक्त करने का लोग काम जरूर करने का काम। जी, लेकिन संबंधित विभाग के मंत्री कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर एक पोलो रोड जो है वो नोटिफाइड हो चुका है, तो आपको वहां चला जाना चाहिए। कब हुआ ये घर खाली था? कोई खाली जगह पे ना किया जाता है, ये हुआ कब, ये नोटिफाई कौन किया? ये देखिए विभाग को लेना देना नहीं है, अब विभाग के मंत्री को भी इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं, अगर अलग से जाके पूछिएगा तो विभाग के मंत्री भी बोलेंगे कि ना जायज, मतलब जायज नहीं हो रहा, ये पूरे तरीके से प्रेशर में कराया जा रहा है। फैसला मुख्यमंत्री लेते हैं, ये मुख्यमंत्री का निर्णय है, ये किसी कमेटी और किसी चीज का निर्णय नहीं है। मुख्यमंत्री का इसलिए निर्णय है क्योंकि उनके मन में जहर है, उनके मन में गुस्सा है, क्योंकि एक बच्चे का सवाल का जवाब उनके पास नहीं रहता और वो एक बच्चे को फेस नहीं कर पाता। क्योंकि अब इस मामले पे 10 तारीख को सुनवाई होनी है, कोर्ट का जो जजमेंट होगा, जो निर्णय होगा, उसका आप स्वागत करेंगे? अरे होगा, अगर देखिए जुडिशियल आर्किटेक्चर है ना भाई, कि लोअर कोर्ट से अच्छा नहीं लगा फैसला तो आपका अधिकार है कि नहीं हाई कोर्ट जाने का, हाई कोर्ट में अगर नहीं आता तो सुप्रीम कोर्ट जाइएगा कि नहीं जाइएगा, तो वो निर्णय तो 10 तारीख के बाद हम लेने का काम करेंगे, लेकिन जो अंतिम जो डिसीजन है उसको ना आप मानिएगा, अगर आप सेटिस्फाई है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन न्याय प्रक्रिया जो है कम से कम सरकार को भी तो उसका पालन करना चाहिए। बहुत अच्छा लगा कि इस तरह का एक्शन ले रहे हैं, तो कम से कम ऐसे लोगों पे लीजिए ना जो कब्जा करके बैठे हुए हैं, जिनको अधिकृत मतलब जिनको अधिकार ही नहीं है, जिनको सुविधाएं नहीं है मंत्री का, या मंत्री है भी नहीं, वैसे लोग अगर मंत्री का बंगला लेकर के बैठे तो कार्रवाई कब करना चाहिए था, अभी तक नहीं हुआ, जाके पूछिए उनपे कब कार्रवाई कीजिएगा। हम तो चाहेंगे कि सभी पत्रकारों से कि आप लोग सब लोग नाम जान रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं, अगर लिस्ट उपलब्ध कराना हम तो हम लोग करा भी देंगे, लेकिन सरकार से तो पूछिए
कि करा कौन रहा है, कब कराइएगा, वहां भी भेजिए मजिस्ट्रेट और पूरे प्रशासन को लिखिए चिट्ठी। हम लोगों का तो सब्जिडियस मामला है और ये तो सरकार को और सब लोगों को पता था, फिर भी इस तरह का एक्शन लेना, अब क्या बताएगा, किस सोच का ये दिखाता है, ये तो आप ही लोग जाने। धन्यवाद। कई सवालों के जवाब भी दिए हैं तेजस्वी यादव ने यहाँ पर, और कहा है कि मामला डबल बेंच में है, बार बार शिफ्टिंग क्यों। उन्होंने कहा आधा कार्यकाल लगभग बीत चुका है और अगर अब शिफ्टिंग कर भी लेते हैं तो ये कैसे तय होगा कि आगे शिफ्टिंग के लिए नहीं कहा जाएगा। कई सवाल उन्होंने खड़े किए हैं सरकार पर, कहा है महिलाएं और बच्चियां सुरक्षित नहीं है, उसको लेकर जवाब देना चाहिए, और जवाब नहीं है मुख्यमंत्री के पास और इसीलिए इस तरह की चीजें होती रहती हैं। तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किए, वकील की हत्या की जांच होनी चाहिए, महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, लेकिन